हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा वेक्टर लेक्चर टू, सेकंड लेक्चर आ गया। वेक्टर क्या क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम लो पढ़ेंगे बेटा, वेक्टर एडिशन का एक हमने कल छोड़ दिया था। और बच्चों वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके होते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वो भी हम पढ़ेंगे। ये बच्चों वेक्टर एडिशन का नंबर टू वाला नियम था, पैरेललोग्राम लो। कैसे बोलता बच्चों? पैरेललोग्राम में स्केलों में यदि कोई वेक्टर ए है बेटा, कोई वेक्टर बी है, ये तो मैं जान गया सर, ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। कैसे पता चला सर? यदि रिजल्टेंट आर है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा, तो बी को आप यहां शिफ्ट कर लो, क्योंकि वेक्टर को ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रांसलेट किया जा सकता है। बच्चों मैंने बी को उठा के वहां ले गया। और एक बात और देखना बेटा, ए और बी की टेल के बीच में एंगल क्या था? थीटा। यहां भी मैंने थीटा बना दिया। मेरा क्या लॉजिक है बेटा? मेन मैं चाहता हूं सर ये ए से क्या एंगल बना हुआ आप बता दो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आप बता दो, और आप ये बता दो सर किस टाइप से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप निकाल पाओगे, देखते कैसा है। सर ये बी है तो एक ट्राइंगल यहां बना लेते हैं, ये आपका बी है, ये थीटा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये वाला कंपोनेंट बी कोस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं हो क्या बन जाएगा बच्चों? बी साइन थीटा। अच्छे देखो बच्चों पी, चलो ऐसे अच्छे से देखो बेटा, एक्स वाई और जेड ट्राइंगल देखो, एक्स वाई और जेड ट्राइंगल देखो, ये आपका हाइपोटेन्यूस आर है, आपका बच्चों परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है, एंगल अल्फा है, और बेस क्या बेटा? ए प्लस बी कोस थीटा। बस अपने आप आंसर आने लग जाएगा। कैसे सर? ये अपने पास एक आपकी कैसी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, हाइपोटेन्यूस निकालना चाहते हो, कैसे निकलता था सर? पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो बच्चों सर, आर स्केयर इक्वल टू बी स्केयर साइन स्केयर थीटा, और बच्चों क्या बेटा? ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्केयर, और सोल्व करो बेटा तो बी स्केयर साइन स्केयर थीटा बच्चों, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा। बहुत बढ़िया भाई बच्चे, एक स्टेप और आपका आगे आ गया। ये देखना बेटा सर, ये बी स्केयर और ये बी स्केयर, तो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या होता है? वन। सो आर स्केयर वी कैन राइट एज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट बच्चों, डायरेक्शन और देखो एक बार बच्चों, रिजल्टेंट आ गया बेटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालना सर टेन अल्फा, टेन अल्फा ट्राइंगल में देखना बेटा सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, बेस क्या आ जाएगा? ए प्लस बी कोस थीटा। बच्चों आपको याद करने कैसे? एक्सेस रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजल्टेंट आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा है सर, जिसके साथ एंगल बनेगा। जैसे अल्फा में डायरेक्शन किसके साथ बनाई सर? अल्फा इज डायरेक्शन विद ए, तो कहां गया बच्चों? बी साइन थीटा। यदि मैं बोलता अल्फा इज डायरेक्शन विद बी, तो ऊपर था बच्चों ए साइन थीटा, नीचे आता बी प्लस ए कोस थीटा। ऐसे बनता है ना, जिसकी डायरेक्शन निकालनी है उसके दूसरे वाले का कंपोनेंट ब्रेक करना है। ए के साथ बनाई तो बी के कंपोनेंट ब्रेक किए, बी के साथ बनाता तो ए के कंपोनेंट ब्रेक करता, जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सर कोस थीटा की वैल्यू हो सकती है माइनस वन से प्लस वन, तो R के फॉर्मूले में आप पुट करना बच्चों, तो R की वैल्यू कहां से कहां आएगी सर? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, और अच्छे से लिख देता हूं बच्चों, R की जो वैल्यू आएगी, R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा a माइनस बी से a प्लस बी। बच्चों आप इसको हमेशा बड़े वाले का डिफरेंस को मैं ऐसे लगा देता हूं, ऐसा हमेशा आपको बच्चों पॉजिटिव लेना है a माइनस बी और a प्लस बी। दोबारा देखो एक बार कैसा सवाल बनता है, पीएमटीएल इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहां से कहां लाई करेगा बेटा? a माइनस बी से a प्लस बी। एग्जांपल देखो, इफ इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज सिक्स, देन पेयर ऑफ टू वेक्टर्स, देन पेयर ऑफ टू वेक्टर्स मे बी, कौन सा पेयर हो सकता है? ऑप्शन नंबर वन दे दिया बच्चों अपने को बेटा, टू कोमा थ्री। ऑप्शन नंबर टू हमें दे दिया बच्चों थ्री कोमा वन। ये हमें दे दिया बच्चों सेवन कोमा एट। एक हमें दे दिया बच्चों, एक और ले लेते हैं समथिंग सेवन कोमा ट्वेंटी।
चार हमने ले लिए। हमें बोला बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका रिजल्टेंट 6 आ सकता है। इस पेयर का रिजल्टेंट क्या आ सकता था बेटा, ये 3-2 1 से लेके 5 तक आ सकता था। सर ये वाला नहीं होगा सर, 2-3 करो ना -1 करो, नहीं बेटा उसको मैंने आगे लगा दिया सिंबल, ये ओनली पॉजिटिव आपको लेने। ये कहां से कहां होता बच्चों, ये 2 से लेके 4 तक होता, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये 8-7 1 से लेके 15 तक होता, इसका रिजल्टेंट ये कहां से कहां होता बच्चों, ये 13 से लेके 27, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3। उसको चेक करने का तरीका बच्चों कहां से कहां रिजल्टेंट आ सकता बेटा, a-b से a+b, वो हमने लिखा हुआ है। देखो दोबारा अच्छे से, और इफ ए एंड बी आर सेम मैग्नीट्यूड, बच्चों ए और बी वैल्यू सेम है तो आर की वैल्यू क्या आ जाती बेटा, a² + a² + 2a² cos θ अंडर द रूट। और देखो बच्चों सर 2a² + 1 cos θ फिर से अंडर रूट। बच्चों फिर मुझे बेसिक मैथ का एक फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं मैं, जब भी बेटा 1 + cos θ हो उसको टोक 2 cos²θ/2 लिखा जा सकता है, 1 - cos θ हो तो बेटा 2 sin²θ/2 लिखा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, तो बच्चों क्या बन जाएगा 2a² और ये क्या बच्चों 2 cos²θ/2 बेटे आपके पास बन जाएगा 2 और 2 बाहर आ जाएगा, a² में a बाहर cos में ऐसा सिंपल रिजल्टेंट आ जाएगा 2a cos θ/2। टेन अल्फा भी निकालना, टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा बी, चलो उसको भी ए मान लेता हूं मैं, अब a sin θ a ब्रैकेट में 1 + cos θ। बच्चों sin 2θ का फॉर्मूला होता है बच्चों, यदि sin 2θ होता तो उसका फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, sin θ/2 जैसे बच्चों sin 60 होता sin 30 में लेता, cos θ/2 ये क्या बन जाएगा 2 cos²θ/2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos, tan अल्फा वी कैन राइट एज tan θ/2, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अरे मैं जानता ही था दोनों बराबर आएंगे कहाँ जाएंगे एंगल वाई सेक्टर पे, वैल्यू क्या होगी 2a cos θ/2। अच्छे से देखना बच्चों, यदि अपने पास एंगल जो है 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा और डायरेक्शन क्या आएगी, यदि अपने पास है बच्चों 60 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 90 है तो क्या आएगा, 120 है तो क्या आएगा। बच्चों स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है ये, पूरी फिजिक्स में बहुत जगह मैं काम लूंगा बच्चों, ग्रेविटेशन में लूंगा, इलेक्ट्रो में लेंगे, बहुत जगह काम आएगा। थीटा 0 तो बच्चों 2a cos 0 तो आंसर आ जाएगा 2a, ये अल्फा आ जाएगा बच्चों सर एंगल के बीच में 0, बच्चों 60 और क्या आ जाएगा सर 2a cos 30, 2a√3/2 कितना आ जाएगा बच्चों √3/ आपका √3 into a, और एंगल बाई सेक्टर में कहाँ आ जाएगा डायरेक्शन 30 डिग्री, जब 90 होगा तो सेम √2 आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री पाएगा रिजल्टेंट, फिर आ जाएगा बच्चों सिंपल a और आपका आ जाएगा 60 डिग्री पे, 180 डिग्री होगा तो बच्चों आ जाएगा 0, और 0 रिजल्टेंट है तो बच्चों फिर एंगल का कोई मतलब ही नहीं होता। बच्चों अच्छे से देखना कैसे हुआ बेटा, ऐसे हुआ सर ये अपने पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये जब इनके बीच में 0 डिग्री था ना बच्चों, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में जोड़ दिया, जैसे इनके बीच में एंगल बढ़ता रहा, जैसे इनके बीच में एंगल बढ़ता रहा 60, 90, 120 और 180 में ये और ये दूसरे कैंसिल आउट 0, जैसे जैसे बच्चों एंगल बढ़ा ना ऐसे ऐसे रिजल्टेंट कम होता गया, 2a से 1.7a 1.4a फिर a ऐसे कम होता, क्यों सर जब ये ऐसे 10 के दो कंपाउंड बन जाते ये वाला और ये वाला, ये कंपाउंड तो इसमें जुड़ रहा है लेकिन ये वाला कुछ कम कर रहा होगा, यदि 90 से ज्यादा और कम होने लग जाता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे बच्चों, यदि a है ये b है, a और b के बीच में एंगल थीटा बोलता है ना, a प्लस बी मत बनाओ, ए प्लस माइनस बी बताओ, या ऐसा आप तो ए माइनस बी बताओ, मतलब भाई ये तो मुझे नहीं आता है लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं सर इसको आप ऐसा कर दो ए प्लस माइनस बी, क्यों, क्योंकि सर मुझे वेक्टर को रिवर्स करना, वेक्टर का तो माइनस बी मुझे बनाना आता है, ये एंगल कितना बन जाएगा 180 - θ, हाँ ये तो मुझे सोल्व करना आता है कि ये वेक्टर ए है एक वेक्टर माइनस बी है और उनके बीच में एंगल कितना बेटा 180 - θ, वो मुझे सोल्व करना आता है, क्या बन जाएगा रिजल्टेंट देखना एक बार, अंडर रूट a² + b² - 2ab कोस, चलो ऐसा कर लो कोस 180 - θ, तो क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट a² + b² - 2ab cos θ, बच्चों ये बन गया रिजल्टेंट। डायरेक्शन देखना बच्चों क्या बन जाती, टेन अल्फा,
सर बी साइन थीटा या 180 माइनस थीटा कर लो चलो, और ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। बच्चों ये मैं आपको बेसिक मैथ्स में सिखा चुका हूं, 180 माइनस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव, तो साइन में नो चेंज, और ये क्या कर सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव, वही हमने कर दिया, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यहां भी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है, सेम कंडीशन यहां भी बनेगी बच्चों, यदि ए और बी बराबर है तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर कोस थीटा, सेम कहानी मैं आपको बता चुका, टू ए स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा अंडर द रूट, वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू अंडर द रूट, आंसर आ जाए टू ए साइन थीटा बाई टू। बच्चों ये आपका वेक्टर कहा आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन यदि किया है डायरेक्शन क्या बन जाएगी बच्चों, भी देख सकते हो चाहो तो सर बी टू साइन, चलो ए ही हो जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों देख लेना, कोट की फॉर्म में बन जाएगा, इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, ए टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, और ये कितना बच्चों टू साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई टू, ए से ए टू से टू कैंसल, साइन से साइन दैट इज कोट थीटा डिवाइड बाई टू, उसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, आपको तो ऐसे ही बताया, वेक्टर का माइनस भी करना टेंशन मत लेना, आप एक वेक्टर को रिवर्स कर देना या एंगल को 180 माइनस थीटा कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे सॉल्व करते देखो बच्चों। सर जिस वेक्टर के ऊपर आपको सिंगल स्टार पीएमटी, जिस वेक्टर के ऊपर बच्चों अपने को कैप लगा हुआ बेटा, दैट इज ए यूनिट वेक्टर, तो ए और बी यहां क्या दिया हुआ, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है सर, इसको आप लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट है तो फोर टू स्क्वायर वन प्लस वन माइनस टू कोस थीटा इज इक्वल टू फोर, माइनस टू कोस थीटा इज इक्वल टू टू, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, थीटा की वैल्यू कितना जब रहे, कोस माइनस वन कहाँ होता था बच्चों, कोस माइनस वन याद करना सर ऐसे, सर ये जीरो पे होता था और ये पाई पे, तो थीटा विल बी 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 180 डिग्री आई, कैसे आई सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा, ये आपका क्या था इक्वल था अंडर रूट है, स्क्वायर किया ये टू यहाँ गया माइनस हो गया, तो फोर माइनस टू माने टू, टू से टू कैंसिल वन और माइनस वन माने, अब ये बन भी जाएगा सर, ये बनाना तो ए स्क्वायर प्लस रूट थ्री बी स्क्वायर, अरे मैग्नीट्यूड तो वन है, यूनिट वेक्टर है टू ए बी कोस 180, सही है क्या सर, वन प्लस थ्री इंटू वन, अरे रूट थ्री का क्या हो गया आपका, रूट थ्री का स्क्वायर आपका हो गया थ्री, टू इंटू वन इंटू रूट थ्री और ये आपका माइनस वन, तो आ जाएगा बेटा फोर प्लस टू रूट थ्री माइनस वन और फोर माइनस रूट थ्री, जो भी आना होगा बच्चों उस फॉर्म में आंसर आपका बन जाता, सही है क्या, वेरी गुड बेटा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, आपके पास क्या बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, आपको बता रहे एंगल क्या है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, आप बनाना बच्चों क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, और ये क्या बनेगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा, बच्चों दो चीजें सेम उनका हटा दो, क्या बन जाएगा इस साइड आगे, फोर ए बी कोस थीटा इक्वल टू जीरो, कोस थीटा इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सरल पीएमडी में पूछा सवाल। एक अच्छा क्वेश्चन आप देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखो, ने क्या बोला बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज आर, सिंपल जो इस चीज से आप बना सकते हो बना लो सर, ये पी और ये क्यू ऐसा कुछ है, पी और क्यू के बीच में जो भी है बच्चों, पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा रिजल्टेंट आर ऐसा बोला हुआ, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, सर ये तो हम जानते हैं, इफ क्यू इज डबल्ड न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, नया रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों ऐसे आर डैश, वो किसके परपेंडिकुलर है, पी वेक्टर के, यानी क्यू को क्या कर दिया आपने टू क्यू, क्या बच्चों आपने एंगल को चेंज किया है, नहीं, एंगल दैट इज थीटा, सही है, तो टेन अल्फा आप जानते हो बच्चों, टेन अल्फा क्या होता था सर, जिसके साथ डायरेक्शन बनी हुई है, पी के साथ बोला हुआ है तो क्यू के साथ आएगा, टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस टू क्यू कोस थीटा, टेन नाइनटी दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट या वन डिवाइड बाई जीरो, टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस टू क्यू कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पूरा जीरो, ये वन, तो पी प्लस टू क्यू कोस थीटा इक्वल टू वन,
cos theta you can write as minus p divided by 2q. cos theta की वैल्यू आ गई बच्चों, यहां पुट कर दो बेटा, यहां पुट करो तो r square is equal to p square plus q square plus 2pq और ये क्या जाएगा minus p divided by 2q. 2q से 2q cancel, p से p square, तो r is equal to q. अरे बात समझ में आई क्या? आसान और अच्छे सवाल है बच्चे, ये बढ़िया सवाल आपका बना. हमने एक कंडीशन पे बोला रिजल्टेंट r रिजल्टेंट बनाया, दूसरी कंडीशन ला p के परपेंडिकुलर है, एक कंडीशन से p के परपेंडिकुलर से cos थीटा बना, यहां पुट के आंसर आ गया. सही है क्या? बहुत बढ़िया सवाल. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, इसमें जो पहला टॉपिक है बच्चों दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट जिसका नाम होता है बच्चों, इसी को हम लोग बेटा डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं उसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. स्केलर नाम है बेटा इसका, जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा. कैसा, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सर ये यूज किया जाता है टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स. टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जब एंगल आपको निकालना हो तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तब आपका इसको यूज किया जाता है बच्चों. जो इसका स्टार पॉइंट यूज किया जाता है टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बनाना तो यू हैव टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको लेना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देन अगेन यू हैव टू यूज दिस. बेटा आपको एंगल फाइंड आउट करने में प्रोजेक्शन या कंपोनेंट में जब भी यूज करना हो तो दैट इज ए डॉट बी आपको यूज करना पड़ेगा. देखो कैसा, अपने पास ए वेक्टर बेटा, अपने पास बी वेक्टर एंगल थीटा है. ये आपको कोई बोला जाए ए डॉट बी आप बताओ, तो आप लिखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कोस थीटा. सही है क्या बच्चों? आप सीधा लिखोगे बेटा ए डॉट बी की वैल्यू, ए वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड ए बी कोस थीटा, इस टाइप से लिखा जाएगा. क्योंकि स्केलर वैल्यू हमेशा आती है बच्चों, इसीलिए जो आपका स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है. बच्चों इसको मैं सीधे अच्छे से एग्जाम्पल की फॉर्म में कराता हूँ. कैसे आपको मैं एंगल निकलवाना चाहता हूँ, क्वेश्चन और ऑलवेज रिवीजन, रिवीजन भी लिखा इसको पर आपको देखना दोबारा नोट्स में अच्छे से मार्क करना. बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बहुत मैंने डाले हुए हैं आपको प्रोजेक्शन लेने वाले. देखो कैसा, इफ वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज आई प्लस टू जे माइनस टू के एंड बी वेक्टर इज क्या आ जाएगा बच्चों थ्री आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व के, फाइंड क्या क्या फाइंड करना बच्चों आप यहां देखना. नंबर वन ए डॉट बी या फाइंड आउट करो. नंबर टू आप बताओ बच्चों एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. नंबर थ्री आपसे पूछा बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. आपसे पूछा बच्चों नंबर फोर पे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसा कुछ पूछता है बच्चों. ए डॉट बी तो आप सिंपल बना लोगे. सर ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या आएगा सर? जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो आप कैसे कर देंगे सर? आई प्लस टू जे माइनस टू के डॉट थ्री आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व के. बच्चों डॉट प्रोडक्ट आपको एक बार साइड में सिखा रहा हूं, अब मुझे जरूरत पड़ गई. सर जब भी आपको बेटा लेना पड़ेगा तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू वन आएगी. ऑल अदर जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनका वैल्यू जीरो आती है. आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, आई डॉट के हो, के डॉट आई, कुछ भी हो बच्चों सेम सेम है. आई वाले के आई से गुणा, जे वाले को जे से गुणा, के वाले के से गुणा, तो वन आएगा, बाकी सब जीरो है. तो बच्चों करना एक बार आई वाले के आई से. सर ये वन है और ये थ्री, तो थ्री आ गया. ये टू है और ये फोर, तो माइनस, अरे टू इंटू माइनस फोर एट आ गया. माइनस टू इंटू दिस तो माइनस ट्वेंटी फोर. आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? माइनस ट्वेंटी नाइन. क्या आ गया बच्चों अपने पास? ए डॉट बी. यदि आप बच्चों सेकंड वाला पार्ट यहां करना चाहते थे, क्या बनाना चाहते सेकंड वाला पार्ट? एंगल. अरे एंगल क्या होता बच्चों? सर कोस थीटा क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी. ए इंटू बी मीन्स क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड. सर कोस थीटा ऐसा ही लिखा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई थी? माइनस ट्वेंटी नाइन. ए का मैग्नीट्यूड निकालना पहले से आता है, अंडर रूट ले लो आई वाले का स्केयर, जे वाले का स्केयर, के वाले का स्केयर. बी में भी ऐसा बेटा, आई वाले का स्केयर, जे वाले का स्केयर और के वाले का स्केयर. सोल्व किया माइनस ट्वेंटी नाइन, ये क्या आ जाए बेटा? थ्री इंटू थर्टीन. यह आ जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाई थर्टी नाइन. कोस थीटा की वैल्यू आ गई और यू कैन राइट एज थीटा इज कोस इनवर्स, कोस इनवर्स ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाई दिस. बच्चों दो पोर्सन मेरे पास बच गए. मैंने बेटे आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे सिखाया? सर आई वाले के आई से गुणा करो, जे वाले के जे से करो, के से, बस सरल
धूम 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 आंसर। एंगल निकालना है ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैं पहले जानता हूं आई वाले का स्केयर जे वाले का स्केयर के वाले का स्केयर अंडर द रूट, वो मैं पहले से जानता हूं, ये कहानी में जानता था। दो वर्ड नए आए हुए बेटा, प्रोजेक्शन आप बताओ ए का बी के ऊपर या बी का ए के ऊपर। यदि मुझे कोई बोलता बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपको निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता बच्चों लिटरली समझा जाए तो यदि ये ए और ये बी है, प्रोजेक्शन का मतलब होता बच्चों सिंपल आपको लेंथ निकालनी है। प्रोजेक्शन कोई बोलता आपको लेंथ निकालनी है, वो भी कैसी सर? ऐसी निकालनी है जो छाया होती है। छाया मतलब ऊपर से टॉर्च आपने ऑन किया, टॉर्च आपने ऑन किया, इस बी की कितनी लेंथ ए के ऊपर दिखाई जाएगी ना बच्चों, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेकिन स्टार पॉइंट सीधा लिख रहा हूं, जिसका प्रोजेक्शन सिंपल लिखा बेटा सीधा आंसर आएगा, जिसका प्रोजेक्शन उसका कोस थीटा, जिसका प्रोजेक्शन उसका कोस कंपोनेंट आपको लेना है, उसका कोस थीटा आपको लेना है। जैसे बच्चों बी का तो ऊपर से टॉर्च डाली तो नीचे क्या दिखाई देता है बच्चों, बी कोस थीटा। चलो फटाफट मैं आपसे लिखवा के देखता हूं मास्टर ने क्या बोला। यदि आप बोलते प्रोजेक्शन ऑफ बी बताओ ऑन ए, मैं क्या बताता सर किसका प्रोजेक्शन बी का, तो बी कोस थीटा आंसर है। आप बोलते सर प्रोजेक्शन बताओ ए का, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या बोला बेटा प्रोजेक्शन किसका, ए का है, प्रोजेक्शन ए का तो आंसर क्या था ए कोस थीटा। बस सर इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या, बी कोस थीटा ए कोस थीटा के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे, अरे मैं पहले से जानता हूं, मैं पहले से जानता हूं ए डॉट बी की वैल्यू क्या थी, ए बी कोस थीटा, यहां से छोड़ दो आप, जैसे आपको बी कोस थीटा तो बी कोस थीटा वहां छोड़ दो, क्या बन जाएगा बेटा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। जैसे बच्चों आपको यहां लेना, क्या लेना, ए कोस थीटा, क्या बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। फॉर्मूला नहीं याद करना है, हमने कैसे याद किया, जिसका प्रोजेक्शन उसका कोस कंपाउंड लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए तो ए कोस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी तो बी कोस थीटा, वैल्यू कहां से आएगी, डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से आएगी। जो बच्चों आपका थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट है वो मैं बनाता हूं। आपको बोला गया कि वेक्टर आई टू जे और ये आपके डॉट प्रोडक्ट भी निकाल चुके, सबको निकाल चुके, कोस थीटा भी अपने पास है। आपको बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताओ, तो पहले क्या पूछा बच्चों, ए कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा सर ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। ए डॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, माइनस 30, और बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, आपको याद है 13। सेम कहानियां देखो, अरे इसको चलो एक बार लिख लो, बी कोस थीटा सेकंड वाला पार्ट ने प्रोजेक्शन ऑफ बी बताओ, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा क्या आ जाएगा बेटा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। अरे यहां से बनता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहां से ए डॉट बी की वैल्यू हम जानते हैं और ए की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 5। सीधे सीधे हमने प्रोजेक्शन निकाल दिया, लेंथ बता दी, वही हमसे पूछा हुआ है। सही है क्या बच्चों, वही हमसे पूछा हुआ बेटा। ए डॉट बी भी मैं जानता था बच्चों, मैं ए का मैग्नीट्यूड भी जानता हूँ कितना है, ए का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 4 + 4 + 1 = 3 है, कितना प्रोजेक्शन है बच्चों आपका 3 है ना, 5 = 3 है। थर्ड वाला तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बनाना, थोड़ा सा आगे और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बनाना, कैसे आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बना सकते हो बच्चों, ये भी सिंपल है। यदि ये आपका ए वेक्टर, यदि ये आपका बी वेक्टर, ये आपका थीटा, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। एक्चुअली प्रोजेक्शन मतलब लेंथ ही होता है, फिर भी कई बार बच्चों वो बोलता है प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन बी पे बताओ और आंसर आई जे के में दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पूछना चाहता। सेम कहानी यहां है, यदि आप बोलते हो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बच्चों वो सरल चीज है, किसका कंपोनेंट है सर ए का, तो आंसर तो आ जाएगा ए कोस थीटा, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या बोला बेटा अलोंग बी, तो बी का क्या करेंगे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। बस दोबारा आपको बोला बच्चों कंपोनेंट ऑफ लो बी और अलोंग ए, बस आपको अंग्रेजी समझनी और कुछ नहीं है। क्या बोला बच्चों कंपोनेंट किसका, बी का, तो आंसर तो आ गया सर बी कोस थीटा, तो मैग्नीट्यूड आ गया है। फिर आपको क्या बोला बच्चों अलोंग ए, ए के अलोंग माने ए की क्या लेना पड़ेगा आपको यूनिट वेक्टर। बस 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 इतना ही सवाल है, इसके ऊपर एक कंप्लीट सवाल मैं कराता हूं, जहां आपको प्रोजेक्शन भी रिवाइज हो जाएगा और एक स्टेप आगे आपको कंपोनेंट भी लेना आएगा, फिर आप डॉट प्रोडक्ट में जो चाहो कर सकते हो। इफ वेक्टर ए इज आई प्लस टू जे माइनस टू के एंड वेक्टर बी इज, एंड वेक्टर बी इज बच्चों समथिंग ले लेता हूं मैं ऐसा, ई आई कैप प्लस 4j कैप, आसान ले थोड़ा सा, एंड बी वेक्टर आर देयर। अब आपको बोला गया
आप बताओ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या आपसे चलो वही चीज है पहले कि सर एक काम करो ए डॉट बी आप बताओ, एक काम करो एंगल बिटवीन देम बताओ, फिर आपसे बोला गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बताओ, फिर आपको बोला गया कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बताओ, ऐसे आपसे सवाल पूछेगा। कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसा सर, i प्लस टू जे माइनस टू के डॉट थ्री आई माइनस आपका प्लस फोर जे। हमने क्या बोला बच्चों सर, i वाले का i से, j वाले का j से, k वाला है नहीं छोड़ दो सर, वन इंटू थ्री दैट इज थ्री सर, टू इंटू फोर दैट इज एट, कितना आ गया इलेवन। अरे वन इंटू थ्री में कितना थ्री, और फोर इंटू टू माने एट, cos थीटा क्या होता है बच्चों आपको याद है तो a डॉट b डिवाइड बाई ए और डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, ये कितना आ गया 11। आपका बच्चों ए का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4 और बी का बेटा सर 9 प्लस 16 और 6 सोल्व किया सर ये आ जाएगा 3 इंटू 5 11 डिवाइड बाई 15। बहुत अच्छे भाई बच्चों कोस थीटा आपने, अरे इतना अच्छा सवाल कर रहे हो क्या, सो रहे हो क्या, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी बोलो, ए कोस थीटा बी के लॉन्ग बी कैप। सर ए कोस थीटा कैसे बनता था बच्चों, सर ए कोस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, और यहां कैसे बनता था बच्चों बी कैप बेटा सर बी का पूरा वेक्टर ले लो और मैग्नीट्यूड ले लो, ऐसे ही तो बनाएंगे। अच्छा ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 11, सर बी की कितनी वैल्यू है, बी की अभी निकाली कितनी है बच्चों 5, बी वेक्टर कितना बच्चों 3i प्लस 4j, यूनिट वेक्टर बनाना तो डिवाइड बाई और क्या करना पड़ेगा 5, मेरी ख्याल से आंसर आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 25 3i प्लस 4j, वाह भाई वाह। फिर बोला कंपोनेंट ऑफ बी लो अलोंग ए लो, किसका कंपोनेंट है बी का, तो आंसर आएगा बी कोस थीटा, किसके अलोंग है ए के अलोंग, ए कैप लो सर, बी कोस थीटा वैल्यू क्या थी ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, और ये क्या आएगा बच्चों ए वेक्टर डिवाइड बाई ए, बहुत अच्छे, ए डॉट बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3, फिर ये पूरा लिख लो बेटा आई प्लस टू जे माइनस टू के और डिवाइड बाई 3, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास 11 डिवाइड बाई 9। बच्चों इस टाइप से हमने एक टॉपिक पढ़ा अच्छा सा, चाहे प्रोजेक्शन पूछे, चाहे एंगल पूछे, चाहे आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछे, सबका एक ही तरीका है, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट हमारे एक कोस थीटा, ए का कंपोनेंट है एक कोस थीटा, ए का प्रोजेक्शन है एक कोस थीटा, इस टाइप से हमने पढ़ा और सिंपल एक फॉर्मूला है कि बेटा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, सही है क्या। चैप्टर का वेक्टर का बच्चों L2 का फाइनल टॉपिक बचा, दैट इज वेक्टर का भी लास्ट टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो आगे बच्चों चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा L2 का, दैट इज क्रॉस या आपका वेक्टर प्रोडक्ट, नाम है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या आएगा बेटा अपने पास जो आंसर आएगा वो वेक्टर में आएगा बच्चों, ऐसा लिखा जाता है बेटा यदि अपने पास ए वेक्टर है, यदि अपने पास ऐसा बी वेक्टर है, एंगल एज थीटा है, तो ए क्रॉस बी वी कैन राइट एज A क्रॉस B वी कैन राइट एज A B साइन थीटा n कैप। n कैप क्या होता है बच्चों, दैट इज वेक्टर, ये क्या बच्चों आपका n कैप, ये है बच्चों यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B वेक्टर बोथ, जो आपके दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है उस यूनिट वेक्टर को बोला गया n कैप। बच्चों ये आपको कब यूज आता है, कैसे सॉल्व करना है, तो ये बच्चों तीन जगह आपको यूज आएगा, कब कब यूज आएगा बेटा, जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स, दोनों गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको निकालना हो यूनिट वेक्टर, तो बी ए क्रॉस बी आपको लेना पड़ेगा, वो आपको एन कैप पूछा जाता है, एन कैप क्या आ जाएगा बच्चों ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा। बच्चों ए बी साइन थीटा सिंपल क्या है, एक स्केलर वैल्यू, एक सिंपल वैल्यू है 2 3 4 5 ऐसे आएगा, और आपके पास एन कैप के कारण ये वेक्टर बन जाएगा। बच्चों आपको एरिया बनाना हो जब भी बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बनाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बनता बच्चों, यदि अपने पास एक साइड ए है एक साइड बी है, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी। यदि बच्चों आप बोलते बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप बनाओ, पैरेललोग्राम का जब एरिया आप बनाओगे तो बच्चों दो संभावनाएं आ जाएंगी, एक बार बोला बच्चों ए और बी जो है आपकी साइड हैं, तो आएगा बच्चों ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड, एक बार बोला बच्चों आपके पास ए और आपका बी, ये बच्चों डायगोनल है, ए और बी बच्चों आपके डायगोनल हैं, तो आएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी, हाफ इंटू ए क्रॉस बी।
वो तो ट्राइंगल का एरिया लेना, हाफ ए क्रॉस बी हमेशा रहेगा। पैरेललोग्राम में अच्छे से देख लेना बेटा, जो ए और बी दिया वो साइड दिया है कि डायगोनल दिया है। डायगोनल दिया है तो बच्चों हाफ आएगा, यदि साइड दिया तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। बच्चों दिक्कत यह आएगी आपको, सर ए क्रॉस बी को सोल्व कैसे करना, अच्छे सुनना बेटा। इसको मैं मैग्नेटिज्म में यूज आएगा बहुत बार, क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी आएगा, रोटेशन में भी आएगा, तो मैं आपको सीधा वहां से ही बता दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करना। यदि ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका एंगल थीटा, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां यूज करेंगे बेटा राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। बच्चों ये जो मैं लिखूंगा बेटा, जो आप ये इस पूरे बोर्ड पे लिखेंगे पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आता है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा और डबल स्टार पीएमटी है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बच्चों, सर पहले वेक्टर पे आप हाथ रखो, ए के ऊपर हाथ रखा, बी की तरफ घुमा दिया, एक वेक्टर पे हाथ रखा दूसरी तरफ उंगलियां कर्ल कर दिया, जो उठाएगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या बोलता है बच्चों, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स कहां से कहां बच्चों, फ्रॉम वेक्टर वन, फ्रॉम वेक्टर वन टू वेक्टर टू, वेक्टर वन से वेक्टर टू की तरफ आपका, तो थंब जो आएगा बच्चों, थंब विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो आपने पहला क्रॉस दूसरा किया उसकी डायरेक्शन आपको देगा। मान लेता उसको मैं सी नाम दे दिया, सी को मैं बोल रहा हूं बच्चों ए क्रॉस बी है, ये प्रॉपर्टी बन जाती है बच्चों, सी जो आएगा ये परपेंडिकुलर टू बोथ होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बच्चों और अच्छा बोला जाए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी होता है बच्चों, ए और बी का जो प्लेन है पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा। इसके कारण से पूछता बच्चों आपसे ए डॉट ए क्रॉस बी, आप बताओ, आपसे ऐसा पूछता है बच्चों, ये आपसे पूछ लेगा बी डॉट ए क्रॉस बी, आप बताओ। बच्चों इसको सोल्व नहीं करना, ब्रैकेट को आप सोल्व मत करना, मैं सीधा ही बता देता कैसा, सर ए और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक कंबाइंड वेक्टर, जैसे सी वेक्टर मैंने बताया, ए क्रॉस बी और ए, सर ए क्रॉस बी क्या बोलता है, ए के परपेंडिकुलर है, यदि परपेंडिकुलर है तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या था, जीरो। बी को क्या बोला बेटा, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है आपका, बी के भी क्या, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, ये भी क्या था, जीरो। और अच्छे से समझाऊं तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, पूरा प्लेन चाहे ए वेक्टर हो यहां, चाहे बच्चों टू बी वेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा प्लेन में बच्चों ए और बी में, तो बच्चों जो आपका ए क्रॉस बी आएगा, जो ए क्रॉस बी आएगा बच्चों वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर किसके, चाहे बच्चों आप ए प्लस टू भी कुछ भी लो बच्चों, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर। और अच्छे समझा रहा हूं, ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर, बल्कि पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में कुछ भी एंगल आप बना दो, ए और ये बना दो माइनस हंड्रेड बी, कुछ भी बना दो बच्चों, या टेन ए माइनस हंड्रेड बी, तो भी बच्चों ए क्रॉस बी तो क्या था, आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन तो पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो भी डॉट प्रोडक्ट क्या लेते हैं आप, सर टेन ए माइनस हंड्रेड बी, वो भी क्या होता, जीरो। बच्चों ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। इस प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे बच्चों, चाहे वो ए प्लस बी हो, चाहे ए माइनस बी हो, चाहे टेन ए प्लस बी, कुछ भी नंबर ले लो, हंड्रेड ए माइनस फाइव थाउजेंड बी, कुछ भी है, ए क्रॉस बी उनके बाहर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या करेगा उसके साथ, जीरो करेगा। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना हुआ आपको समझा दिया क्या बच्चों, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है क्या, सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है, नहीं होता, क्यों बच्चों, बना लो बेटा ये ए और ये बी, तो ए क्रॉस बी कहां आएगा, बाहर, लेकिन बी क्रॉस ए, सर बी के ऊपर उंगली रखे की तरफ घुमाने अंदर, सर ये आपका माइनस होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक जैसा नहीं होता, उल्टा बल्कि माइनस होता है, सही है क्या। आगे दोबारा देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज और, सर आई जे और के में आप बता दो, सर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, या के क्रॉस के, बच्चों क्या बोला मैंने फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा की माने वन वैल्यू, बी की माने वन वैल्यू, थीटा क्या बच्चों आई और आई में भी जीरो, जे और जे में भी, के और के में भी जीरो, तो इसलिए बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या बच्चों, जीरो है। इसके अलावा कुछ भी बोल दे बेटा, तो आप ऐसे बना लेना आई जे और के, ऐसा रोटेशन बना लेना क्लॉकवाइज बच्चों, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे, आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल प्लस आंसर आएगा, उल्टा आपका जाना पड़ जाएगा तो माइनस। कैसे बच्चों, जैसे मैंने बोला जे क्रॉस के, आप बताओ सर आंसर तो है आई, तीसरे वाला आंसर है जे क्रॉस के, बताओ आई है, सर जे और के में आप कहां जाना पड़ा, क्लॉकवाइज, हां सर सही है, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। दोबारा देखना बच्चों,
मुझे बोला के क्रॉस आई बताओ सर, आंसर तो जे है, के क्रॉस आई में आंसर तो जे। देख लो सर क्लॉकवाइज जाना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, के से आई क्लॉकवाइज जाना पड़ा, तो ये भी प्लस है। दोबारा देखना बच्चों, मैं आपको बोला बेटा आप तो एक काम करो के क्रॉस जे बनाओ, के क्रॉस जे सर आंसर तो आई है, प्लस आई है कि माइनस आई है सर, के क्रॉस जे सर उल्टा जाना पड़ा, उल्टा जाना पड़ा क्या आ जाएगा माइनस। बच्चों आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में पहले समझाया, क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे है, यूज कहाँ आएगा, यूज आएगा बच्चों आपको एरिया निकालने में आएगा, या बच्चा यूनिट वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर तो गिवन वेक्टर तब भी आएगा। यदि बच्चा यूनिट वेक्टर नहीं पूछा ना, बोल दिया आप ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी के परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी ही आंसर है। यूनिट वेक्टर बोलेगा तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर लेना आपको आता है, वेक्टर बना के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हम कर देंगे आंसर आएगा। बच्चा यदि आपको बोलता है सर एक मेन प्रॉपर्टी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये प्रॉपर्टी है बच्चों चाहे ए हो चाहे बी हो या उस प्लेन में कोई भी वेक्टर हो, ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ऑल वेक्टर एग्जिस्टिंग इन दैट प्लेन। फिर बच्चों आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू जीरो है, इसके अलावा की वैल्यू होती है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे बच्चों एक आसान सवाल आप देखो, उसने बोला सर वेक्टर ए अपने पास है आई टू जे माइनस के एंड वेक्टर बी इज समथिंग, मैंने दे दिया बच्चों टू आई माइनस थ्री जे प्लस टू के, ऐसा हमने दे दिया। यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनिट वेक्टर, आपको क्या बोला बच्चों यूनिट वेक्टर बताओ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए एंड बी के जो परपेंडिकुलर आप बताओ। तो मैं कैसे करता सर, देखो मैं सीधा यूनिट वेक्टर तो नहीं, आप ए क्रॉस बी बना सकते हो क्या, हाँ बना लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे बनाता बच्चों, में क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का मेथड सोल्व करना पड़ता, आई जे और के ऐसे लिख लो बच्चों। जो बेटे पहला वेक्टर लिखाओ क्या लिखाओ ए, तो ए वाले को यहां आई के नीचे वन, ये टू और ये माइनस वन, ये टू माइनस थ्री और टू, हमने ऐसा लिख लिया बच्चों। ये हमने क्या किया बेटा आई जे और के नीचे के कोफिशियंट लिखे, पहले ए है तो पहले ए के लिखे बच्चों, बाद में बी है तो बी के लिखे बच्चों। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करना बेटा, मैंने बता दिया आपको ये वाला एजिटिज रहेगा और बच्चों यहाँ पे आपका साइन चेंज होगा। कैसे करेंगे सर, आप ऐसे कर देना आई को आगे ले लो, ब्रैकेट में माइनस जे कर लो बच्चों, और लास्ट में प्लस के आप कर दो और आंसर सोल्व करेंगे। कैसे बच्चों देखना एक बार, सर हमने ऐसा किया आई के जो आई है तो आई वाली बच्चों अभी ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा टू माइनस वन माइनस थ्री और टू, तो ये टू इंटू टू क्या बच्चों फोर एज इट इज, माइनस थ्री इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा बच्चों प्लस थ्री, साइन चेंज आपको करना था माइनस थ्री माइनस जे, तो जे वाली बच्चों आप ये कॉलम छोड़ दो बेटा और ये रो छोड़ दो, तो ये बचेगा वन माइनस वन टू और टू, तो टू इंटू वन दैट इज टू और टू इंटू माइनस वन कितना बन जाएगा बेटा माइनस टू, लेकिन साइन आपको चेंज करना था प्लस टू। दोबारा देखो बच्चों सर के वाली आप लाइन छोड़ दो तो माइनस थ्री इंटू वन, तो माइनस थ्री आ जाएगा, ये क्या देखो बेटा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, टू इंटू फोर टू इंटू टू दैट इज फोर, लेकिन आपको लिखना बच्चों माइनस फोर, साइन चेंज करना है बच्चों। अब अपने पास आंसर आने लग जाएगा दैट इज आई कैप माइनस फोर जे कैप और बच्चों माइनस सेवन के कैप, ये बच्चों अपने वेक्टर बना लिया, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, दो आपके ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। आपसे पूछा गया बेटा यूनिट वेक्टर, अरे यूनिट वेक्टर के तो बढ़िया महारत हासिल कर चुके थे, यूनिट वेक्टर कभी भी बनाना क्या बनेगा सर, यदि ए क्रॉस बी का आपको यूनिट वेक्टर बनाना क्या करेंगे सर, ए क्रॉस बी ले लेंगे और उसका क्या करेंगे नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड सर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है बेटा आई माइनस फोर जे माइनस सेवन के अंडर रूट वन प्लस जे वाला स्क्वायर वन प्लस के वाले का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा आई माइनस फोर जे माइनस सेवन के और ये आ जाएगा बेटा फिफ्टी प्लस दिस सिक्सटी सिक्स, अरे सही है क्या, जो भी आना होगा मैंने एक सरल तरीके से आपको बताया। इसको एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, देखो बच्चों कैसे बनता बच्चों देखो एक बार सर, ऐसे हम बनाते हैं सर ए क्रॉस बी पहले आप बना लो, क्योंकि एरिया मैं जानता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और उसका भी हाफ, एक बी ए क्रॉस बी कैसे बनाते सर, सर आई जे और के ले लो सर, ए में क्या पहले माइनस वन ये टू और ये माइनस वन, बी में क्या बच्चों सर बी में अपने पास टू माइनस थ्री और ये फिर से टू। बच्चों जब ए क्रॉस बी करोगे तो आई वाले को ऐसे लिखो माइनस जे आएगा और प्लस के आएगा, ये हमने इस टाइप से लिखा है ठीक। आई वाले में बच्चों आई की लाइन छोड़ दो बेटे, आई वाले की लाइन छोड़ दो, ये भी और ये भी, क्या बच जाएगा टू माइनस वन माइनस थ्री और टू, तो टू इंटू टू दैट इज फोर, माइनस थ्री इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा, यू हैव टू चेंज द साइन तो यू हैव टू पुट माइनस थ्री। जे में बच्चों जे वाली पूरी लाइन ये छोड़ दो पूरी ये छोड़ दो, टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू, टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू, बट यू हैव टू राइट डाउन द चेंजिंग द साइन सो प्लस टू।
बच्चों दोबारा देखना के को, के को देख लिया बच्चों क्या बन जाएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन दैट इज प्लस थ्री, टू इंटू टू फोर है बच्चों, लेकिन आपको लिखना माइनस फोर। सोल्व करेंगे तो आई कैप और ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो बेटा, ये क्या बच जाएगा माइनस के कैप। आपको क्या बोला बच्चों, एरिया निकाल दो सर। एरिया तो क्या होता था, हाफ डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम नहीं जानते, अंडर रूट आई वाले का स्केयर, जे में जीरो है, के वाले का स्केयर, वन बाई टू इंटू रूट टू, आंसर विल बी वन बाई रूट। आसान आसान सवाल है बच्चों, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता, कभी एरिया कभी पैरेललोग्राम बोलेगा। पैरेललोग्राम में आप देना दिया साइड दिया है, सिंपल ए क्रॉस बी आंसर है मैग्नीट्यूड। यदि आपको बोला बच्चों क्या है कि आपको डायगोनल दिया हो तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, आपको अच्छे से वहां देखना पड़ेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सारा कंक्लूजन हमने बना लिया, डॉट बी क्रॉस बी और प्लस वाला भी, इस टाइप से हमने बनाया। तो हमने कुछ क्वेश्चन दिया, ए डॉट बी की वैल्यू 8 और ए क्रॉस बी की वैल्यू 6 है, आपको वो निकालना है। वेक्टर के ऊपर कैप लगे होने मतलब बच्चों क्या है यूनिट वेक्टर, देखो बेटा ए डॉट बी क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा दैट इज ए, ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे बेटा, ए बी साइन थीटा दैट इज 6, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहां आप देखो अच्छे से, मैंने क्या किया बेटा सर, ये वेक्टर तो नहीं बना, 6 वेक्टर तो नहीं है, अरे बच्चों मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, ए बी साइन थीटा मान लिया, 2 डिवाइड बाई 1 करना बेटा क्या बन जाएगा सर, आपका बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4, और थीटा भी क्या राइट है 37 डिग्री, सही बच्चा एंगल हमारे पास आ गया 37। अब अपने को वो निकालना क्या करूँ बेटा मैं, तो रिजल्टेंट कैसे आता था सर, आपका ए स्केयर प्लस रूट 3 बी स्केयर प्लस 2 ए बी कोस 37। बच्चों कैसे सोल्व करेंगे अच्छे से आप देखोगे तो बेटा, ए स्केयर माने 1 प्लस ये कितना 3 प्लस 2 रूट 3 कोस 37 कितना आएगा बच्चों, सर साइन 37 छोटे में छोटा होता है 3 बाई 5, ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाई 5। और चेस सोल्व किया तो अंडर रूट 4 प्लस 8 रूट 3 डिवाइड बाई 5 जो भी आना होगा बच्चों आ जाएगा, ज़्यादा मुझे इसके मतलब भी नहीं, हाँ जो भी डाटा आ रहा है उस फॉर्म में आपका आंसर दिया होगा, सही है क्या बच्चों। मैंने डॉट को क्रॉस को भी यूज किया और साथ में यूनिट वेक्टर भी यहाँ बना के देख लिया बच्चों, इतना काम हमने वेक्टर में किया बेटा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। सबसे पहले हमने टाइप पढ़े, टाइप के बाद बच्चों हमने कंपोनेंट किया, 3D 2D देखा, कंपोनेंट इनफाइनाइट होते हैं, ट्रांसलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन में भी सिर्फ वेक्टर रोटेशन से फर्क पिया था। फिर बच्चों कंपोनेंट के बाद मैंने आपको वेक्टर एडिशन सिखाया, ट्राइंगल लो सिर्फ फिगर में करना है, और बच्चों पैरेललोग्राम लो आपको आज देखा, जब आपको दो भी वेक्टर तीन वेक्टर दिए हों तो उसको ऐड करने में काम आता है। फिर बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट हमने किए हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन दी बच्चों और आपकी वेक्टर थी, स्केलर में आपको प्रोजेक्शन या कंपोनेंट या एंगल निकालने काम आता है, और आपको बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा बेटे वो आपको एरिया निकालने काम आएगा। बच्चों आपको दिक्कत यही रहती सर, कब मैं डॉट यूज करूँ कभी मैं आपकी क्रॉस यूज करूँ, तो आपको यहाँ से अंदाजा लग गया काफ़ी कुछ। बच्चों वेक्टर के लिए इतना ही काफ़ी था, इसको पूरी फिजिक्स में अच्छे से याद करूँगा, आपको यूज़ करता रहूँगा, आप ढंग से अच्छे से घर पर पढ़ते रहना, जैसे जैसे आप संजीवनी को फॉलो करते रहोगे तो बच्चों आपको धीरे धीरे फिजिक्स में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे दो चैप्टर अपने बेसिक के हो गए हैं तो आपको लगने लग गया हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, मुझे सही समझ में आ रहा है और मेरा इंपॉर्टेंट काम बनने लग गया होगा, कॉन्फिडेंस आपका हाई होने लग जाएगा, इस बार इजीली आप बेटा 150-170 स्कोर कर पाएंगे, और बच्चों आप अच्छे से फॉलो करोगे तो पूरी उम्मीद है बच्चों इस बार आप जरूर पक्का 100% डॉक्टर बनोगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।